अपडेट ये है, अभी मैं हाफ पहाड़ी को क्रॉस करके ऊपर थोड़ा सांस ले रहा हूँ। मेरे दोस्त जो थे मेरे साथ वो ऊपर जा चुके हैं टॉप पे। आज व्लॉग करते हुए हमें बिल्कुल भी किसी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ रहा बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटीफुल वेदर। और हवा बड़ी प्यारी चल रही है, मौसम ठंडा है। अगर ये आपने ब्लॉग बनाना होता है तो शर्म और एक अतार के यूट्यूबर हैं। यार ये ना फैसलाबाद का पीपल्स कॉलोनी 2 का एरिया है और यहाँ पे मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नोट की है कि मुझे आधा घंटा हो गया पैदल चलते हुए और जहाँ पे भी जा रहे हैं ना रास्ते में छोटे छोटे पार्क आ रहे हैं। एक चीज़ अच्छी है यहाँ पे दरख्त बहुत हैं और सब्ज़ा छाया हुआ है हर तरफ और पार्क्स जो हैं वो मतलब मज़े के हैं। हमने जाना है यहाँ से चिन्योट जो कि 1.5 घंटे का रास्ता है। हमने अभी तक नाश्ता कोई नहीं किया, हमने वहाँ पे जाके नाश्ता करना है चिन्योट की पहाड़ियों के ऊपर। हमारे साथ वाले लड़के वो सीधे चले गए हैं, हम खड़े हैं सर्वर चौक में उनका वेट कर रहे हैं। आते हैं तो हमने जाना था लारी अड्डे वाले रोड से सीधा चिन्योट की तरफ। तो भाई लोग आते हैं फिर हम अपना सफ़र जारी रखेंगे। बॉयज आर हियर। यार आप लोगों को हम कॉलिंग कर रहे हैं, नंबर तो बंदा ऑन रखता है अपना। तो भैया जी अभी हम आधा सफर तय करके फैसलाबाद और चिन्योट के रास्ते में एक नहर के किनारे खड़े हैं। चियो ची चियो ची। मोहसन भाई ने यहाँ चैलेंज दे रहे हैं, कहते हैं इस नहर में छलांग लगाओ और थोड़ा नहा के फिर जाते हैं, लेकिन ये चैलेंज मैं नहीं पूरा कर सकता बिकॉज मुझे डर लगता है। लड़के होश करो। तो भैया जी हम पहुंच गए हैं चिन्योट में। हमें एक ऐसी जगह मिली है, ये एक कोई कोठी बन रही है और यहाँ पे हमें पानी मिल गया था। सो हमने सोचा पहले नहा लेते हैं, अभी हम जाएंगे पहाड़ी की जानिब। तो भैया जी टाइम है 4:00 शाम के, अभी हम जाने लगे हैं ये चिन्योट वाली पहाड़ी के ऊपर। वहाँ पे जाके बाकी के सीन आपको वहाँ पे दिखाते हैं। अपडेट ये है अभी मैं हाफ पहाड़ी को क्रॉस करके ऊपर थोड़ा सांस ले रहा हूँ। मेरे दोस्त जो थे मेरे साथ वो ऊपर जा चुके हैं टॉप पे, लेकिन थोड़ा सांस मेरा सही होता है तो मैं फ़ौरन ऊपर जाऊँगा। ऊपर के सीन्स बाकी जो रह गए हैं वो मैं आपको दिखाऊँगा। बड़े मज़े के सीन्स आ रहे हैं यहाँ पे। तो भैया जी दिस इज़ द टॉप ऑफ दिस चिन्योट वाली पहाड़ी। यहाँ पे कुछ दोस्त हैं वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने शर्म जी जग जो है वो उतार के फेंक दी थी पहले व्लॉग में ही।
आज का चैप्टर स्टार्ट हुआ था एक चैलेंज से कि हमने चिन्योट वाली पहाड़ी के टॉप पे जाके आज का नाश्ता करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग आते आते रास्ते में इतना थक गए थे और भूख से बुरा हाल था, सो हमने रास्ते में ही खाना खा लिया था। तो भैया जी सीन्स कुछ ऐसे हैं, अभी हमारी शूटिंग भी कंप्लीट नहीं हुई, व्लॉग भी कंप्लीट नहीं हुआ और हमारे मोबाइल की बैटरी बिल्कुल डेड हो गई है, बैटरी रह गई है 10% और हमें अभी मोबाइल को बंद करना पड़ेगा, इस शूटिंग को बंद करना पड़ेगा, नहीं तो हम घर नहीं पहुंच पाएंगे और घर से अगर कॉल आ गई तो उनको जवाब नहीं दे पाएंगे। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे।